तो ये जो लड़कियां पकड़ाई आठ, इनको आपने कब बुलाया, कहां से रिक्रूट किया आपने इनको? क्या शारीरिक शोषण भी होता है आप लोगों के अंदर? ये जो छापा पड़ा पुलिस का, इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? रशियन थेरेपी फर्स्ट टाइम इन छत्तीसगढ़, कपल रूम। आपको क्या करते हो पकड़ा गया पुलिस द्वारा? नहीं खुल लो आप, करने आप चाहते हो मैं सब चीजें खुलवा के बोलूं तो मैं बोलूंगा फिर। कपल रूम डोर बंद करने का नियम किसने बनाया पता है आपको? स्पा के नियम। चाहोगे तो सारे एविडेंस में अभी प्रस्तुत कर दूंगा, फिर ना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। जेब से कॉन्डोम कितने निकले भाई इनके? तीन कॉन्डोम निकले। कॉन्डोम वहां पे क्या गुब्बारे फुलाने के लिए गए थे वहां पे? मेरे से भिड़ोगे तो बहुत भारी पड़ेगा, समझा रहा हूँ। ये जो पीला है ना, लाल हो जाओगे पूरे। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, इतना तो मैं जिम नहीं जाता उतना तो। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1-800-309-1616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपने पन का। नमस्कार दर्शकों, मैं सुरभि वर्मा और आप देख रहे हैं तीरंदाज। बीती रात दुर्ग पुलिस ने भिलाई शहर के सूरत टीआई मॉल के स्पा सेंटर में छापा मारा था, जहां पुलिस ने 8 महिलाओं के साथ 8 ग्राहकों को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया था। साथ ही स्पा सेंटर के संचालक को भी गिरफ्तार किया था। आज दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने उनसे पूछताछ की, उसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप देखिए उन आरोपियों की तस्वीरें जो उस दौरान संदिग्ध अवस्था में पाए गए थे। थाना फुपेला चौकी स्मृति नगर में पूरिया मॉल में कल पुलिस द्वारा जो है रेड कार्रवाई की गई। शाम 6:30 बजे से लेकर रात में 1:30 बजे तक की कार्रवाई की गई। लगातार वहां पे देह व्यापार की सूचना आ रही थी, क्योंकि वहां पे काफ़ी सब लोग पूरिया मॉल जाते हैं, वहां पे अपना शॉपिंग करते हैं, सामान वामान खरीदते हैं, लोगों को भी बच्चे जाते हैं। निश्चित रूप से इससे एक बहुत ही उनके मानसिक ये पे गलत प्रभाव पड़ रहा था। अभी भी बाकी भी जो स्पा सेंटर्स चल रहे हैं, काफ़ी स्पा सेंटर से शिकायत लगातार आ रही है। मैं सारे स्पा सेंटर से ये विनती करता हूँ कि वो जो भी बालिकाओं को बाहर, महिलाओं को बाहर से ला रहे हैं रोज़गार के लिए, उन सब का पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। सभी लोगों का जो है नगर पालिका में लिस्ट देके जो उनका घुमस्ता होता है उसको जो है रजिस्टर कराएं। आने वाले समय में बाकी स्पा सेंटर्स पे भी कार्रवाई की जाएगी। मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि सुधर जाएं, अन्यथा विधिवत कार्रवाई उन सब के खिलाफ की जाएगी। जो प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट पीटा के अंतर्गत एक बड़ी कार्रवाई कल की गई, 8 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। सारी महिलाएं बाहर से थीं, किन्हीं का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था, कभी भी थाने को जानकारी नहीं दी गई। जहां वो रहती थीं रेंट पे, वहां उसकी भी जानकारी नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं जो लोग रेंट पे अपना घर देते हैं, उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि वो अपने रेंटर्स का हमेशा पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, अन्यथा कभी वो बड़ी मुश्किल विधिवत मुसीबत में फंस सकते हैं। जो एफएंस 10 पा सूर्या मॉल में द्वितीय माले पे चलता है, उस पर छापा मारा गया। 8 पीड़ित महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। जो 8 ग्राहक थे उनको रंगे हाथों पकड़ा गया। अपराध धारा 3, 4, 5, 7 जो अनैतिक देह व्यापार अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई की गई। पूरे इलाके की वीडियोग्राफी कराई गई और ट्रांसपेरेंट पुलिस कार्रवाई जो है वो की गई। आगे भी इस तरह की सूचना मिलने पर इनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से ये पुलिस के लिए भी बहुत आश्चर्यस्तब्ध करने वाली बात थी कि सिटी के बिल्कुल सेंटर में इतने बड़े मॉल में इस तरह की गतिविधियों को जो है वो संचालित किया जा रहा था। अंदर स्पा में जो बाकी चीज़ें होनी चाहिए, मसाज ऑयल, मसाज बेड, उस तरह की कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं थी।
वहाँ पर केवल संदिग्ध चीज़ें जैसे कॉन्डोम, जैसे कि डबल बेड, लगातार कस्टमर्स को कांटेक्ट करना, फ़ोटोज़ भेजना, सभी के मोबाइल्स भी जब्त किए गए, मोबाइल से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मिलेंगी। मालिक कौन है? चलो लग जाओ उधर, भाई कब से चला रहे हो ये? 6 साल से चला रहे हो। तो ये जो लड़कियां पकड़ाई आज, इनको आपने कब बुलाया, कहां से रिक्रूट किया आपने इनको? इनमें से मैक्सिमम लड़कियां सर मेरे पास 3 साल से। 3 साल से कहां से आई हैं सब? असम से। तो ये आई हैं, इनका आपने पुलिस स्टेशन कराया आपने इनका? समय समय पे करवाते रहते हैं सर, जमा करवाते हैं आईडी वगैरह। तो इन 8 का हुआ है? समय समय पे नहीं, इन 8 का, इनमें सर 3 का नहीं हुआ है, बाकी सबका हुआ है। क्योंकि अभी 3 न्यू आए थे, जैसे ही उनका लगता कि हाँ मेरे यहाँ काम करने लायक है, अच्छा वर्क उनका करेगी अच्छी है, तो फिर उनका करवाते हैं। इनका आप करवाते हैं जी? तो ये पुलिस की कार्रवाई क्यों हुई आपके ऊपर सर? यदि आपका सब चीज़ सही था, वहाँ कुछ गड़बड़ ही नहीं था, तो ये देखो आपके डेट में आप किस तरह का रजिस्टर मेंटेन करते हो आप देख रहे हो? 18 का मतलब उसको हमने चालू किया था कि एक अच्छे प्रीमियम जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं कार्ड से स्वैप करके अपनी थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मशीन आता था वो खराब हो गया, एक्टिवेट ही नहीं हो पाया। डीप थेरेपी क्या है जनाब? डीप टिश्यू थेरेपी सर बहुत हार्ड मसाज होता है, जो जिम यूज करते हैं या लॉन्ग ड्राइव करके आते हैं या लंबा सिटिंग पे बैठे रहते हैं उनको हम करते हैं। चलिए फिर जब आप इतनी चीज़ें बता ही रहे हैं तो सुनना चाहते हैं फिर CSP साहब भी बताएंगे आपके बारे में। भाई CSP साहब बताएं, क्या देखा आपने कल वहाँ पे? सर जो लड़कियों से बात किया और उनके मैनेजर से बात किया, तो बात कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ 1500 रुपये में। लड़कियाँ भी आएंगी, कहानी सुनाएंगी, बुला लीजिए लड़कियों को भी। नहीं बुला लीजिए, 1500 रुपये का एक ही थेरेपी। इधर पीछे आप पत्नी बता रहा हो इसलिए सर। देखो मैंने चाहता था कि दुनिया के सामने चीज़ें आए, आप चाहते हो कि उनकी चीज़ें सामने आए तो सामने आएंगी। देखो मेरा तो हमेशा मानना है कि पारदर्शी तरीके से काम हो, यदि आप चाहते हो तो सामने भी सुन लेंगे मीडिया के सामने। बुलाए कुछ महिलाओं को, बुलाएं सबको, बुलाएं महिलाओं को। तो बाकी CSP साहब बताएंगे क्या हुआ कल, क्या देखा उन्होंने? इसमें जैसे इन लोग का होता है कि काउंटर पे जाके एक ही पहले ही फ़ोन आता है, इन लोग का एक लैंडलाइन नंबर है और एक छोटा सा फ़ोन है जो शारिक के पास होता है, इस पर फ़ोन कॉल आता है और पूछा जाता है कि कौन कौन लड़कियाँ अवेलेबल है। वो सबके नाम बोलती है, वो पूछता है कि ये लड़की है, उनके जो रेगुलर जो जगह है जाना है, और जैसे वो बोलते हैं कि हाँ ये अवेलेबल है, फिर अपना अपॉइंटमेंट देते हैं कि 30 बजे आऊँगा, 8 बजे आऊँगा, 10 बजे आऊँगा, ये लड़की रखिएगा, और अंदर आके ही सिर्फ बेसिक 1500 रुपये उसको उस काउंटर पे देने हैं और फिर अंदर चले जाएगा। और अंदर जाने के बाद दरवाजे पे ये एक भर के फॉर्म बना के रखा होता है। स्पा में जनरली होता है कि कई दरवाजे ऐसे बंद दरवाजे नहीं होना चाहिए, स्पा में कर्टन होते हैं, कोई बंद दरवाजे के पीछे ऐसे कुछ करने का अलाउड नहीं होता है, ये बाहर रखा होता है, इन लोग दरवाजा अंदर से बंद करते हैं, जब तक ये कागज बाहर है तब तक कोई अंदर जाकर डिस्टर्ब नहीं करेगा। लड़कियों से बात किया तो उन्होंने बताया कि कोई स्पा जैसी मसाज जैसा कोई कार्रवाई नहीं होती वहाँ पे, सिर्फ एक ही काम होता है जो उनको पहले से बताया गया होता है, यही करना है। तो पूछताछ होगी, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आइए मैडम, आप आइए, कोई आप आइए, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन आगे कर दीजिए, कोई बात नहीं, डोर बंद कर दीजिए, जो बोल रहे हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस तरफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, डोर बंद कर दीजिए, दरवाजा बंद कर देना भाई, बंद कर दो। इधर आइए, आप कहाँ की रहने वाली हैं? हाँ आवाज़ कम, अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। यहाँ पर आना है आपको, कैसे यहाँ पे नौकरी मिली आपको? 5 साल से हो, तो आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मालूम चला कि यहीं पे आके काम करना है? 5 साल से पहले यहाँ बेंगलोर से आई, बेंगलोर से आई थी। कौन आपको भर्ती किया था? दोस्त के साथ आई थी। यहाँ पे जो कल छापा पड़ा है उसमें बात आई है कि आप लोगों के साथ शोषण हुआ है, क्या ये बात सही है? नहीं
तो बैठा हुआ था। आप बैठी हुई थी तो अंदर कौन थी? हाजिर आइए, नाम मत लीजिए, पीछे रहिए। आप कब से मैडम इधर आइए? 3 साल से आए हैं। ये जो कल छापा पड़ा है, जो बात कही गई है, क्या वो सही है गलत है? अंदर में थे आप लोग? अंदर में क्या शारीरिक शोषण भी होता है आप लोगों का? अंदर क्या होता है अंदर? हाँ, तो क्या होता है? थेरेपी होता है, थेरेपी होता है। तो जो पुलिस ने कार्रवाई की है आपके अनुसार, वो कार्रवाई गलत है? सही है कार्रवाई? तो देखिए, कार्रवाई सही है ना? ढंग से हिंदी भी नहीं बोल पाते, ढंग से हिंदी भी नहीं बोल पाते। तो आपको इस काम में कौन लगाया? आपको कौन भर्ती किया? आपको दोस्त भर्ती किया। तो आपको लगा नहीं कि काम गड़बड़ है, ऐसे नहीं करना चाहिए? आप बोले तब बोले मुझे वापस जाना है। कहाँ के रहने वाले हो आप? असम। ये बोले नहीं मैं असम वापस जाऊंगी? हाँ, अब आप क्या आगे करना चाहते हो? यहाँ रहना चाहते हो, वापस जाना चाहते हो? वापस जाना, यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते? अभी आप नहीं रहोगे यहाँ पे। सैलरी कितना देते हैं आपको? 15,000 देते हैं। तो टाइम पर देते हैं? टाइम पर सैलरी देते हैं। चलो गुड, आप आइए मैडम। आप यहाँ कब से हैं? 3 महीने से नए भर्ती हुए हो। आपके साथ भी ये गलत काम हो रहा था क्या यहाँ पे? हाँ, आपके साथ कुछ नहीं हुआ था? अभी आप क्या कर रहे थे? आप बैठते थे बस? फोन चला रही थी। तो ये जो छापा पड़ा पुलिस का, इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? पुलिस गलत कार्रवाई की, ठीक कार्रवाई की? ठीक कार्रवाई की। क्या ठीक कार्रवाई की पुलिस? ये जो लड़के सब हैं जो पकड़ाए हैं, ये क्या करने आए थे वहाँ पे? थेरेपी में क्या होता है आपको पता नहीं, आप तो नए आए थे, लेकिन सुने तो हो गए ना आप? जब 3 महीने हो गए तो कोई कुछ बोलता नहीं है। थेरेपी करने वाले कौन कौन है यहाँ पे? पुराने लोग कौन कौन थेरेपी करते हैं? आप तो आप भी थेरेपी में हो ना? उस टाइम आप नहीं कर रहे थे, बाकी लोग थेरेपी करते हैं। कोई गलत काम होता है क्या आपके साथ? कभी कुछ गलत हुआ तो अपना ही बता सकते हो ना? आपने कोई गलत किया या कुछ सुना तो पुलिस पर छापा क्यों पड़ा फिर? यदि कोई गलत काम ही नहीं होता तो पुलिस पर छापा क्यों पड़ा? आप बताओ ना। यदि कोई गलत काम ही नहीं हुआ तो पुलिस पर छापा ही क्यों पड़ा? नहीं तो फिर तो आप लोग पर भी कार्रवाई हो जाएगी फिर। यदि आप बोलोगे कि कुछ ऐसा है ही नहीं तो वो लोग तो आए थे, तो फिर आप लोगों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी मुझे। आप लोग चाहते हो कि आप लोग पर भी कार्रवाई हो? जो सही चीज़ है बताओ फिर, तब तो कार्रवाई होगी ना। गलत काम को तभी हम रोक सकते हैं ना जब लोग आगे आएंगे। तो खुद ही आप लोग शोषण कराओगे अपना, फिर क्या विक्टिम हो? फिर तो कार्रवाई करनी चाहिए आप लोग के ऊपर भी। इधर आए मैडम, आप इधर आए, आप बताएं कल क्या पुलिस की कार्रवाई हुई, उस टाइम क्या हुआ? सर एक्चुअली मैं 5 महीने से हूँ यहाँ पर, तो मैंने 1 महीना पहले जॉब छोड़ चुकी थी। तो कल मैं मेरा जो कपड़ा वपड़ा था वहाँ पर, क्योंकि 25 तारीख को मेरा फ्लाइट का टिकट था, मेरे को वापस जाना था, तो मैं वो कपड़ा लेने गई थी। तो सडनली ऐसा हुआ तो मैं तो एक ही बताओ, पुलिस की तो कार्रवाई हुई ना, पुलिस की कार्रवाई क्यों हुई आप बताओ? क्या चीज़ के लिए कार्रवाई हुई पुलिस की? अच्छाई के लिए। नहीं नहीं, किस अच्छाई के लिए हुई? जो चीज़ हो हाँ, जो चीज़ हो रहा है, वो चीज़ नहीं। क्या हो रहा था वहाँ पे बताओगे तब ना? कुछ गलत हो रहा था कि नहीं हो रहा था, अब ये बताओ। चलो क्या हो रहा था मैं बताओ, गलत हो रहा था कि नहीं हो रहा था? सर मैं 5 महीने से थी तो मेरे में तो कभी भी ऐसा नहीं था। तो फिर वो आगे वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे फिर करना पड़ेगा भाई, सब पे कार्रवाई करें, ठीक है? ये देखिए, पढ़ें। रशियन थेरेपी फर्स्ट टाइम इन छत्तीसगढ़, कपल रूम, स्टीम बाथ। मैडम हम लोग ऐसा नहीं है, एविडेंस बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग बताओगे तो ऐसा नहीं है। ऐसा था कि हम तो चाह रहे थे विक्टिम हो, आप लोगों को रेस्क्यू किया जाए, लेकिन आप लोग चाहते हो सबके ऊपर कार्रवाई हो, सबके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। नहीं नहीं, आ भाई मैडम,
आप कब से हैं? आप अप्रैल से हैं? एक महीने से। आपने वहाँ क्या देखा? किसको पकड़ा था रेड में? किस लड़की को? हाँ, कौन है? आचर आ जाइए, आइए मैडम। आप लोग चाहते हो आप लोग को अलग करके बुलाया जाए तो आपकी मर्जी है। पीछे हूँ, इधर आए। आपको क्या करते हो पकड़ा गया पुलिस द्वारा? कपड़ा खोल रहे थे। ठीक है, बुला। जैसा आप समझ सकते हैं, कहाँ गए भाई उनके वो संचालक भाई? ये कपड़ा खोलने का काम महिलाओं को दिया है आपने? नहीं, खुल लो हमको अपने आप। आप चाहते हो मैं सब चीजें खुलवा के बोलूं तो मैं बोलूंगा फिर। अरे भाई सामने बोल रही हैं। ये कपल डोर बंद करने का नियम किसने बनाया पता है आपको? उस पाके नियम सर, लेडीज थेरेपी मेरे यहाँ बहुत आती है इसलिए हमको तो डोर बंद करना पड़े। डोर बनाओगे आप? निकाल देंगे सर। नहीं, वैसे तो डोर का सिस्टम रहना भी नहीं चाहिए लेकिन लेडीज थेरेपी के कारण से उनको रखना पड़ता है। अरे भैया, तो पुरुष जाएंगे तो भी बंद रखोगे तुम? लेडीज थेरेपी लेडीज के लिए, मुझे कहानी सुना रहे हो? पुरुष जाएगा बंद रहेगा? कपल रूम का है। तुम चाहते हो सारे व्हाट्सएप जो फोन पे मिले हैं लड़कों के मैं वायरल कर देता हूँ, अभी तुम्हें अपने सामने मीडिया में देता हूँ। चाहते हो क्या? चाह रहे हो क्या? चाहोगे तो सारे एविडेंस में अभी प्रस्तुत कर दूंगा, फिर ना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। जो गलत किए हो मानो कम से कम, ठीक है? बाकी जो कानून का है, कानून में कोर्ट में जाके जो बताना होगा आप बताएं, आपकी अपनी राय रखने का वहाँ अधिकार है। लेकिन जो गलत किए हो समझो, वो पूरा फूरिया मॉल है वहाँ पे, वहाँ पे सारे रहिंदे लोग जाते हैं, मिडिल क्लास के लोग जाते हैं, वहाँ परिवार जाते हैं, बच्चे जाते हैं। इतना तुम लोगों को भर रखा है तुमने। चलिए चलिए, जो पीछे कर गए सामान सब चीज़ें लेके आया था। आ जाओ भाई, कहानी सुना गए। नंबर क्या है? मेंबरशिप बताओ भाई, वहाँ क्या होता है, क्या करने गए थे? थेरेपी के नाम से गए थे। होता क्या है थेरेपी के नाम पे वहाँ पे? क्या क्या लेके गए थे वहाँ पे? जेब से कितने, जेब से कॉन्डोम कितने निकले भाई इनके? तीन कॉन्डोम निकले। कॉन्डोम वहाँ पे क्या गुब्बारे फुलाने के लिए गए थे वहाँ पे? गुब्बारे फुलाने गए थे क्या? नहीं तो सर। अरे भैया, पुलिस की पूरी वीडियोग्राफी है समझ में आई? स्प्रे लाना थी था ना यहाँ पे, सबको लाना थी था जब्ती का जो लाए हैं जनाब। स्प्रे क्या करने लाए थे जनाब आप? मेरे पास स्प्रे भी नहीं था सर, मेरे पास सिर्फ मोबाइल और पर्स। भाई इनका मोबाइल है? मोबाइल और पर्स में। मोबाइल का इसका जो फीडियर निकालें और कल मीडिया में इनका पूरा जो है ना इसको ये करें। भाई देखो, मेरे से भिड़ोगे तो बहुत भारी पड़ेगा, समझा रहा हूँ। ये जो पीला है ना, लाल हो जाओगे पूरे, ठीक है? जो गलती किए हो तो मानो कम से कम, ठीक है? कहानी सुना रहे हो अलग मुझे। कॉन्डोम तुम गुब्बारे फुलाने के लिए गए थे, स्प्रे तुम वहाँ पे हवा में खुशबू फैलाने के लिए गए थे तुम लोग। और कितने बजे गए थे तुम वहाँ पे? कितने बजे गए थे? कुछ लोग तो 11 बजे भी आए थे, पता है आपको? कुछ लोग रात्रि की मसाज भी कुछ लोगों को चाहिए, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। पता है कितने बजे? कहाँ है मालिक आएंगे? जनाब ने पिछले एक महीने में कितना दो तीन महीने में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इतना तो मैं जिम नहीं जाता उतना तुम वाइफ ले चुका है भाई इतना तो एंट्री है, विदाउट एंट्री कितनी होगी भगवान जाने। हाँ भाई, इसी का देखो भाई, मैं नहीं चाहता एक एक करके पलट पलट खोलना, ठीक है? मेरे से भिड़ोगे तो बहुत भारी पड़ेगा। जो गलती की हो चुपचाप मानो, ठीक है? नहीं तो अभी चेहरा तुम्हारा बंद है, खोलना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है? जो चीज किए हो मानो, ठीक है? इनके भरोसे मत रहो, साहब कोई मदद नहीं करेंगे आपकी। ये तो कोर्ट में जाके कुछ आप मुश्किल में फंस जाओगे, ठीक है? सब बातें खुलेंगी तो आपकी इज्जत जहाँ बट्टा लगेगा, ठीक है? ये रईस लड़कियाँ कैसे लाता था कॉन्टेक्ट करने?
ये लोग का अब यार ये तो एम्प्लॉयज के नाम पे लाते थे कैसे करते थे उन चीज़ों पे, पुराने एम्प्लॉयज भी हैं कुछ 5 साल के हैं कुछ 3 साल के, उन पर हम नहीं जाते हमारी। चलिए एसपी साहब ये बताइए पकड़े कैसे अपनी टीम, हाँ ये बताएंगे सीएसपी साहब बताएं कैसे कल पूरा कार्रवाई की गई। हमको सूचना थी कि कुछ स्पा में एक काम चल रहा है कि देह व्यापार हो रहा है, तो इसमें हम अपने एक पॉइंटर को भेजे थे कि ये चेक करके आएगा कि ऐसा कुछ चल रहा है क्या। जैसे ही वो अंदर गया बातचीत हुआ कि 1500 रुपये दिया और सिग्नल कर दिया कि मेरे को एक्स्ट्रा वाला चाहिए एक्स्ट्रा, तो 1500 काउंटर पे देके अंदर गया। भाई एक्स्ट्रा क्या इधर आए जगह सर, हम लोग वही बात करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं बात, बिल्कुल मेरे काउंटर पे सर माइक लगा हुआ है कैमरे लगे हैं। अरे भाई ये तो सब सुन लूंगा, मुझे यही रोमांचक कहानियां नहीं सुननी मुझे पीछे। ये सूचना तो थी पर अब कब से हो रहा है यही, ये चीज मतलब ये भी समय नहीं पता कि कब से हो रहा है, लेकिन बताया गया था कि स्पा में चल रहा है, कई जगह के स्पा में ये चल रहा है। तो जैसे हमने डिसाइड किया कि कहाँ ज़्यादा चल रहा है उस पहली जगह वहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो एक आदमी को भेजे थे और उसने वहाँ जाने के बाद जैसे ही सिग्नल दिया कि हाँ बात हो चुकी है अब इसके बाद होगा, तो हम 10 मिनट इंतजार किए और उसके बाद सब लोग महिला आरक्षक को लेकर रेड किया। जब अंदर गए तो ये हमारा पॉइंटर और यहाँ के जो एक महिला है वो संदिग्ध अवस्था में हमको मिली, और फिर जैसे ही हमने पूरा सर्च करना शुरू किया तो कई जगह पे कॉन्डम अलग बाथरूम के ऊपर एक जगह पे कॉन्डम रखा हुआ, कई दरवाजे के ऊपर में कॉन्डम रखा हुआ, कुछ जगह पे यूज कॉन्डम भी हमने जमा किया। आपने कॉन्डम सेंटर बना रखा है क्या? क्या हुआ 1500 रेट और ये पहले फोन करके आते कौन सी लड़की के साथ करना है, कुछ है जो ये सब करते है कुछ नहीं करते, उनका ऐसा मतलब वो सेट बना हुआ है वो नाम लेके बताए, नहीं नहीं वो फोन पे बात करते हैं, पहले आने से पहले पूछते हैं कि कौन कौन आज सर्विस के लिए अवेलेबल है, और जब उनका जो चाहिए वो अवेलेबल है तब वो जाते हैं। सभी लोग यहाँ जितने भी ग्राहक है सब फोन करके आए, सबका सीडीआर डिटेल भी हमारे पास, सब इसमें से कुछ लोग मेंबर है जिनका पूरा रजिस्टर है, ज्यादातर लोग लंबे सेशन लेते हैं कार्ड, मतलब उन लोगों का नंबर है कार्ड सेशन ले लिए हैं। इन लोग ऑफर चला रहे सर 10,000 में 15 सेशन, 10,000 में 15 सेशन ऐसे उनका 1500 का कुछ है तो ऑफर चला के कुछ कराए थे, कार्ड बटे नहीं है लेकिन नंबर सबके डल गए। पॉइंटर के बारे में बताइए सर। हाँ तो वो जब अंदर गया उसने सिग्नल दिया कि बात हो चुकी है, उसके बाद हमने 10 मिनट इंतजार किया और उसके बाद वहाँ पे जाके रेड किए। यूज कॉन्डम भी हमने उसमें जब किया है वो डस्टबिन से हमको यूज कॉन्डम मिले थे, और बाकी जो कॉन्डम के पैकेट अलग अलग जगह पे अलग दो बाथरूम है वहाँ पे छुपाए हुए थे और कुछ बेड के नीचे। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे जनाब, इसमें यूज कॉन्डम कहाँ थे आपके यहाँ मिले? सर मैं दुकान में रहता कम हूँ। अरे कम रहते हो तो आपके यहाँ कुछ भी हो जाएगा। वही सर नहीं रहने के कारण ये तो ये गलती मानो ना भाई, तुम तो बोल रहे हो कुछ हो ही नहीं रहा, तो यूज कॉन्डम ये कॉन्डम कोई खाने पीने की चीज है क्या? सर गलत चीज। हाँ गलत चीज ये इनके सर दो महिला मैनेजर हैं जो पूरा एक्सेप्ट किए कि ये सामान मिला जो चीज होना चाहिए। हाँ ये भी आए जना, ये मालिश का सामान इसने मिला ही नहीं कुछ यार आपके यहाँ। क्रीम है, मसाज क्रीम, मसाज ऑयल, स्क्रब सब यार ऐसा करना, इनका जो क्रीम जो मिला ना जो मिला वो मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा, उसको कैसे लगाते हैं यही बताएंगे उसके। मेरे तो समझ से पड़े हैं कि वो कैसे वो लगाया जाए, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ लेकिन मैं तो उसका इस्तेमाल नहीं समझ पाया, ये साहब भी बता पाएंगे उसका इस्तेमाल। अगर कोई बात करने आता है ये सब पहले से इसी चीज के लिए आते हैं, वहाँ के मैनेजर से भी बात किए थे जो दो महिला भाई लंबा चलेगा तो तुम्हारी इज्जत जाएगी बता रहा हूँ मैं, ठीक है शांति से रहोगे जल्दी खत्म हो जाएगा। पीटा एक्ट के अंतर्गत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सूर्या मॉल के दूसरे फ्लोर पे चलने वाले एसेंस स्पा सेंटर पे कल रेड कार्रवाई की, जिसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि उसका संचालक और काम करने वाला मैनेजर और 6 जो हैं वो ग्राहक उनको जो है पुलिस द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ धारा 3, 4, 5 प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के अंतर्गत जो है कार्रवाई की जा रही है। 8 महिलाओं को वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। वहाँ पर देखा गया कि ज़्यादातर लोगों के पास संदिग्ध चीज़ें जैसे कॉन्डोम्स, स्प्रे, दरवाज़ा बंद करना, लगातार फ़ोन पे बात करने के ग्राहक को बुलाना, महिलाओं को संदिग्ध अवस्था में महिलाओं और पुरुष को कल पकड़ा गया है। अभी उस मॉल के ऊपर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। मैं बाकी स्पा सेंटर से भी अनुरोध करूंगा कि वो लोग अपने सारे जो लोग हैं उनका जो उनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनका पुलिस रिलेशन कराएँ, जो स्पा के नियम हैं उसको फॉलो करें,
रेगुलर मालिक जो है वो चेक करें कि उनके यहाँ कोई भी संदिग्ध चीज़ें, संदिग्ध कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं जो ग्राहक हैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि अपनी रेपुटेशन और अपनी लीगल इलीगल कामों में ना फंसें। कभी भी स्पा सेंटर में केवल जो जो मसाज है उसके जो जो नियम है, नियमता काम हो, जो भी स्पा सेंटर नियमों का उल्लंघन करेगा उसके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक,